हैबिट होता है, तो उस हैबिट को दूर करने का प्रयास करते, ख़त्म करने का प्रयास करते। यानी जान लीजिए कि हैबिट कभी भी ख़त्म नहीं होता है, इसलिए आपको सिर्फ उसका रिप्लेस कर सकते हैं, ना कि उसको ख़त्म कर सकते हैं। आप कितनों भी अच्छा या बुरा आदत क्यों न हो, कितनों भी बुरा आदत हो, यदि आप उसको ख़त्म करना चाहिएगा तो आप कभी भी उसको आदत को आप ख़त्म नहीं कर पाइएगा। इसलिए जो आप उस आदत को रिप्लेस कीजिए। अब ये रिप्लेस कैसे करना है, तो उस आदत को रिप्लेस करने के लिए जैसे मान लीजिए कि हम 3-4 घंटा से पबजी खेल रहे हैं, ये मेरा बहुत ही बुरा आदत है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, खूब पबजी खेलते हैं या फ्री फायर खेलते हैं तो आपका मन नहीं लग रहा, तो इसको कैसे, ये मेरा बुरा आदत है, हम इसको कैसे दूर करें। तो देखिए, आपको सबसे पहले जो आप पबजी का समय देते हैं उस समय में आप थोड़े थोड़े जो है कोई पढ़ाई को डाल सकते हैं यार, कोई जो जो आपका इंटरेस्टिंग काम हो, जिससे आपको इम्पोर्टेंट हो, जो भी इम्पोर्टेंट वर्क हो उस समय जो आप उस काम को डाल सकते हैं इंटरेस्ट के साथ पढ़िए। देखिए, एक दिन आप सारा जितना मान लीजिए 4 घंटा हम पबजी के मेरा खेलने का आदत है फ्री फायर, तो हम 4 घंटा पढ़ाई में एक दिन डाल देंगे तो वैसा नहीं होता। आप जो है यदि आपको जो है यदि 4 घंटा जो पबजी की या फ्री फायर खेलने का आदत है, तो उसमें से आधा या 1 घंटा करके रोज जो है आप जो उस समय को पढ़ने का आदत डालिए, उस समय में पढ़ने का आदत डालिए। उसके बाद मान लीजिए पहला दिन पबजी के समय आधा घंटा पढ़े, उसके बाद पबजी आप खेलिए, फिर अगले दिन जो आप आधा घंटा किए वो 1 घंटा पढ़ने का आदत डालिए, उसके बाद पबजी खेलिए। इस प्रकार जो है आप जो बुरा आदत को आप रिप्लेस कीजिए, बुरी हैबिट को जो है आपका पढ़ाई जो है ग्रो करेगा और आप जीवन में कुछ कर सकते हैं।